जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले मैं सैमसंग का बहुत सारा फीचर अपने बहुत सारे वीडियो में दिखा चुका हूं, और सैमसंग के गैलरी के अंदर कुछ ऐसा हिडन फीचर है जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये मुझे बताया मेरे एक सब्सक्राइबर ने जिसका नाम है श्री चरण। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई सैमसंग से रिलेटेड कोई फीचर है जो बहुत ही यूनिक है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि ये बना रहा हूं मैं, वैसे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपको क्रेडिट देकर। तो अगर आपके पास भी ऐसा फीचर है तो मुझे बताओ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये फीचर बहुत ही यूनिक फीचर है और सिंपली आप इसको इनेबल नहीं कर सकते। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैंने One UI 3.0 अपडेट से पहले रिकॉर्ड किया था, इसीलिए हो सकता है कि कुछ सेटिंग्स आपको उसी जगह पर ना मिले जो पहले था। जैसे कि सेटिंग्स था 3 डॉट वाले ऑप्शन पर इससे पहले, लेकिन इस बार 3 बार वाले ऑप्शन पर आ गया है सेटिंग्स, इसीलिए मैं जो भी सेटिंग्स दिखाऊंगा सभी आपको 3 बार वाले ऑप्शन पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा One UI 3.0 के अंदर और भी कुछ नया फीचर ऐड हुआ है जिसको मैं इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बेसिकली मैं सैमसंग के गैलरी के अंदर एक फीचर इनेबल करने वाला हूं। सबसे पहले इस फीचर का नाम है सैमसंग गैलरी लैब। तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको अपनी गैलरी को ओपन करना है, उसके बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना है और जाना है सेटिंग्स पर। देन नीचे अबाउट गैलरी पर जाने के बाद आपको वर्जन पर 10 टाइम क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मैसेज जैसा आ जाएगा कि आपका गैलरी लैब इनेबल हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है फिर से सेटिंग्स पर, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर गैलरी लैब ओपन हो चुका है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा फीचर है जिसको आप इनेबल कर सकते हो। सो बेसिकली इस फीचर के थ्रू आप अपने गैलरी को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप अपने गैलरी के वीडियो प्लेयर को कस्टमाइज कर सकते हो, और उसी के साथ साथ अपने मतलब इमेज के इन्फॉर्मेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कस्टमाइज करना है और सभी ऑप्शन का काम क्या है, और मैं इस वीडियो पर सभी ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको साइड बाई साइड कंपेयर भी करके दिखाऊंगा। जैसे कि अगर ऑफ रहे तो कैसा ऑप्शन रहता है और ऑन रहे तो क्या चेंज आता है, दोनों ही कंपेयर करके दिखाऊंगा, और ऊपर लिखा भी रहेगा आप आसानी से समझ पाओ इसलिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है। तो गैलरी लैब का सबसे पहला ऑप्शन है एडवांस्ड वीडियो प्लेयर। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर साइड बाय साइड आप देख सकते हो जो पुराना वीडियो प्लेयर है वहाँ पर प्ले बटन तो था, लेकिन प्रीव्यू के अंदर आप साउंड कस्टमाइज नहीं कर सकते, मतलब साउंड ऑफ या ऑन नहीं कर सकते। वहां पर कोई टाइमलाइन नहीं था, मतलब आप अपने हिसाब से वीडियो को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड में नहीं ले जा सकते। और उसके अलावा यहां पर प्रीव्यू के अंदर प्ले और पॉज का ऑप्शन भी नहीं था। तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद ये सारा ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही ये यूजफुल होगा। तो यहाँ पर गैलरी लैब के अंदर अगला ऑप्शन है ट्रैश स्टोरेज का। मतलब बेसिकली आप इससे पहले जब कोई इमेज को डिलीट करते थे, मतलब ट्रैश में डालते थे, तब वहाँ पर कोई ट्रैश स्टोरेज नहीं शो करता था। बट अभी आप इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर दोगे तो डिलीट करने के टाइम वो ऊपर एक ट्रैश स्टोरेज शो करेगा, और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके ट्रैश के अंदर कितना स्टोरेज, मतलब कितना ट्रैश सेव हुआ है, आपको वो डिलीट कर देना चाहिए या नहीं। तो ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा, इसको आप अपने मोबाइल में इनेबल करके रख सकते हो, आपके स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा। तो यहाँ पर गैलरी लैब का अगला फीचर है शो एक्सिफ इन डिटेल्स, मतलब शो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स। तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर लोगे तो कोई भी फोटो का जब डिटेल्स आप चेक करने जाओगे तो इससे पहले कुछ ही इन्फॉर्मेशन शो करता था नीचे, लेकिन इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद नीचे आप देख पाओगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारा शो कर रहा है, जैसे कि कलर, स्पेस, ओरिएंटेशन, टेक टाइम, GPS टाइम, सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नीचे शो करेगा। और अगर आपको इन सब की ज़रूरत है तो आपके लिए बहुत ही एक यूज़फुल फीचर है। तो यहाँ पर जो अगला फीचर है, इस फीचर के थ्रू आप अपने एल्बम के अंदर टाइमलाइन को इनेबल कर सकते हो। मतलब इससे पहले एल्बम के अंदर कोई भी टाइमलाइन शो नहीं करता था। टाइमलाइन से मेरा मतलब है, मान लो कि आप एक फ़ोटो आज क्लिक किए हो और दूसरा फ़ोटो कल क्लिक करने वाले हो, तो वहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा कौन सा टाइम पर कौन सा फ़ोटो क्लिक हुआ है, ऊपर ही लिखा रहेगा, डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लोगे तो ऐसे ही आप अपने एल्बम के अंदर टाइमलाइन देख पाओगे। मतलब कभी कभी होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई फ़ोटो क्लिक मतलब कर चुके हैं और उसको हम सर्च करना चाहते हैं, इसके लिए हमें सभी फ़ोटो के अंदर डिटेल्स पर जाना पड़ता है और देखना पड़ता है ये फ़ोटो कब क्लिक किया गया था। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लोगे तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी फ़ोटो को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सर्च कर पाओगे। तो अगला ऑप्शन तो उतना यूज़फुल तो नहीं है, बट
मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप अपने गैलरी के अंदर पिक्चर्स टैब के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर फॉन्ट, मतलब बहुत ही लार्ज फॉन्ट शो करता है ऊपर। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लोगे तो आपके वहाँ पर फॉन्ट छोटा छोटा हो जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा। और इस ऑप्शन का नाम भी है स्मॉल फॉन्ट इन पिक्चर्स टैब। सो इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका फॉन्ट स्मॉल हो जाएगा। यही सिर्फ इतना ही है इस ऑप्शन के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में ONEUI 3.0 के अंदर एक नया हिडन सेटिंग्स दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो पहले, मतलब हम गैलरी लैब के अंदर जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ONEUI 3.0 का एक सेक्शन ऐड हो चुका है। और इसी के अंदर लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर लोगे तो किसी भी फोटो को आप अपने मोबाइल का ऑटो रोटेशन ऑन किए बगैर उस फोटो को रोटेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। बहुत से लोग होते हैं कि ऑटो रोटेशन ऑफ रखते हैं मोबाइल का, लेकिन फोटो रोटेट करने पर फिर से ऑन करना होता है। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करोगे तो बहुत ही आसानी से रोटेट कर सकते हो। तो यही था कुछ फीचर जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, और ये फीचर मुझे बताया है श्री चरण ने, तो थैंक यू भाई बताने के लिए। और ऐसे ही कुछ फीचर अगर आपके पास भी है जो बहुत ही यूनिक है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपको क्रेडिट देकर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।